नमो अरिहंताणं प्रणमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसामूढं गत्वार्जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्री जैन सिद्धांत प्रावेशिकेयं वीरचते स्वल्पदियां हिताय परम मंगलिन जो गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका है उसका अभ्यास हम कर रहे हैं। हमने अभी रिवीजन थोड़ा सा करते हैं, हमने अभी तक क्या-क्या देखा है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हमने पहले यहाँ पे नीचे प्रश्न एक जो लघु सिद्धांत प्रवेशिका है उसमें प्रश्न पहला आया है, विश्व किसे कहते हैं? तो हमने क्या देखा था, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहा था। उसमें हमने एक चीज देखी थी कि जो कॉमनली सभी ही द्रव्यों में पाई जाती है उसे क्या कहा था, सत्। उसका जो लक्षण है, उसकी सत्ता जो है, विश्व टिका हुआ है, वो चेंज नहीं होता है, वो कायम स्वरूपी विश्व वैसा ही वैसा है, उसको हमने कहा था उसकी सत्ता कायम रहती है, कोई भी उसमें डिलीशन एडिशन कुछ नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, वो भी किसका, तो सिर्फ पर्याय है, गुण भी वैसे के वैसे है, द्रव्य भी वैसा का वैसा है, तो सिर्फ पर्यायों में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या फिर हम पर्यायों में उसका स्थानांतर हो सकता है, ऐसा हम कुछ कुछ द्रव्यों के बारे में बोल सकते हैं। पर जो विश्व है, तो हमने एक देखा था महासत्ता, महासत्ता की अपेक्षा हमने क्या देखा था, जिसका लक्षण सत है, ऐसे सभी समान, उसको क्या कहा, महासत्ता कहा। फिर अवांतर सत्ता, माने इतना बड़ा कोई कंसेप्ट है तो हम क्या करते हैं उसको तोड़ तोड़ के या छोटे छोटे पार्ट्स में समझते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि वो एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। वैसे ही हमने क्या किया, इस विश्व को जो छह द्रव्य है उनको धीरे धीरे भेद करके 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 द्रव्य गुण पर्याय से या फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हमने उसको क्या कहा, उसको भेद करके समझने के लिए, उसकी विवक्षा समझने के लिए हमने उसमें भेद किया, तो इसको क्या कहते हैं, अवांतर सत्ता। उसकी संख्या अलग है, फिर उसका जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो छोटे छोटे भेद भेद करके हमने देखा तो उसको हमने अवांतर सत्ता कहा था। फिर हमने द्रव्य जो है उसके बारे में क्या देखा था कि द्रव्य पहले विश्व में जो कंसेप्ट है, विश्व समझने से जो लाभ होते हैं उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि विश्व को किसी ने बनाया नहीं, किसी ने बिगाड़ा नहीं, या फिर अन्य जो मति है उसका सभी का क्या हो जाता है, खंडन हो जाता है, हमारा एक विश्व कायम है, इससे हमें पता चल जाता है विश्व में छह द्रव्य है और वो क्या है, कायम रहते हैं, तो उसकी संख्या भी समान है, तो फिर वो छह द्रव्य की हमने क्या की थी, उसको थोड़ा सा डिटेल डिटेल मैंने बड़ा वो नहीं, संक्षिप्त में देखा था कि वो द्रव्य कौन कौन से है, तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य हमने उसमें देखे थे। उसमें हमने फिर क्या किया था, फिर ये छह द्रव्य में जीव की संख्या कितनी है, जीव के प्रदेश कितने हैं, उसका स्वरूप क्या है, फिर उसमें जीव है या अजीव है, रूपी है या अरूपी है, फिर उसमें क्रियावती शक्ति है या नहीं, उसमें वैभाविक शक्ति है या नहीं, ऐसे करके हमने क्या देखा था, पूरा एक चार्ट बनाकर छह द्रव्य के बारे में हमने जानकारी ली थी। ये जो चार्ट है वो ग्रुप पे मैंने डाल दिया है, अगर आपको पढ़ना है तो उससे आप जाके पढ़ सकते हो, माने उसमें आना ही है लेकिन संख्या अपेक्षा कैसे भेद होता है क्या है वो उसमें सब आया हुआ है। फिर हमने द्रव्य की डेफिनेशन क्या देखी थी,
द्रव्य की डेफिनेशन क्या देखी थी? गुणों के समूह गुणों को के द्रव्य। समूह को द्रव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया, गुणों के समूहों को द्रव्य कहते हैं। इसमें हमने जो ये देखा था, गुण कितने हैं तो अनंत गुण है। फिर हमने क्या देखा था कि ये जो गुण है वो द्रव्य के साथ कैसे रहते हैं। फिर हमने संयोग संबंध की बात की थी, कैसे कैसे संबंध हो सकते हैं। फिर हमने उसमें चार उदाहरण से स्पष्ट किया था, गेहूं का कंकड़ के साथ जो संबंध है वो हमने क्या कहा था, जो बाहर से मिलाया है और मैं उसको अलग भी कर सकती हूँ, सेपरेबल, हम सेपरेट कर सकते हैं उसको, ये संयोग संबंध हमने कहा था, जो कि किसका है संयोग संबंध, छह द्रव्यों का संयोग संबंध ही है। लेकिन संयोग संबंध और एकक्षेत्रावगाह संबंध हमने किस अपेक्षा से सेम कहा था, संयोग संबंध माने मेरे साथ में उसका सिर्फ अस्तित्व रहना, माने ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, इसी अपेक्षा से संयोग संबंध कहा था। लेकिन उसमें क्षेत्र की कॉमनिटी, इसी क्षेत्र में ये है और उसी क्षेत्र में दूसरा द्रव्य भी है, इस अपेक्षा से हमने उसी संबंध को एक क्षेत्रावगाह संबंध कहा था। तो ये सभी अलग अलग है, उसको अलग अलग कर सकते हैं। हाँ, ये संयोग संबंध हो गया। फिर दूध पानी का संबंध देखा था, उसमें ये देखा था कि वो मिलाया गया है लेकिन सेपरेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, नॉट इजीली सेपरेबल, तो उसको हमने क्या कहा था, संक्लेश संबंध है वो, क्या है, संक्लेश संबंध देखा था। फिर जो मिलाया ही गया नहीं है तो वो सिर्फ एक द्रव्य में जो संबंध होता है उसको हमने पेड़ पत्ता फूल शाखा उसके ही अवयव है, उसको हमने अयुद्ध सिद्ध संबंध कहा था। और अग्नि और उष्णता, इसको चौथा जो संबंध है उसको क्या कहा था, तादात्म्य संबंध है। फिर हमने विश्व और द्रव्य की जो परिभाषा है उसमें समूह शब्द को क्या कहा था, पृथक पृथक कहा था, पृथक माने उसका मीनिंग अलग अलग आया है। पहले जो विश्व का जो ये है उसमें समूह शब्द का जो मीनिंग है वो एक क्षेत्रावगाह संयोग संबंध से कहा था, वो सब अलग अलग है, सिर्फ वहां पे प्रेजेंट एक साथ है इसीलिए उसका क्या कहा, संयोग संबंध कहा। लेकिन द्रव्य में जो गुणों का संबंध कहा था वो क्या कहा था, तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध माने उससे निकाला नहीं जा सकता, वो गुण उस द्रव्यमय है, ये हमने देखा था। फिर उसमें भी हमने क्या कहा था कि जो फिर ये संबंध देखने पर फिर जो द्रव्य गुणों के संबंध से या जो स्वभाव रहता है उससे हमने देखा था कि ये सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे होती है, उसमें देखा था सूक्ष्म अंतरी दूरवर्ती, ऐसे तीन तर्क देख के हमने ये देखा था कि ऐसे भी कोई हो सकते हैं जो अतिशय सूक्ष्म चीज को जान सकते हैं, काल की अपेक्षा से भी भूत भविष्य का भी जान सकते हैं, या फिर दूर क्षेत्र, इस क्षेत्र में नहीं बहुत कहीं पे तो जो मुझे पता नहीं वैसी चीज का भी उनको ज्ञान हो सकता है। इससे हमने सर्वज्ञ की सिद्धि की थी। और विश्व को जानने से क्या हो जाता है, ये जो उपमंडक वृत्ति है, जो मैं मेरे भारत देश का जानती हूँ, मैं उसी में रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि इतना ही विश्व है, मेरा विश्व तो मेरा ही इतना ही है, तो ऐसा नहीं। विश्व होता है, ये पता चला, मैं सिर्फ रिवाइज कर रही हूं अभी। फिर हमने आपको आवाज आ रही है ना? जी, हाँ, आ रही है, आ फिर रही है, आ हमने रही है। अवगुण को दो विवक्षा से देखा था। एक तो गुण को क्या देखा था कि माने सामान्य गुण और विशेष हाँ सामान्य गुण और विशेष गुण, गुण। हाँ इस अपेक्षा से हमने देखा था कि कुछ कुछ विशेष चीजें जिसमें होती है वो विशेष, जो द्रव्यों में जिस द्रव्य में कुछ तो अलगपना है इसीलिए वो विशेष गुण कहा, और सभी द्रव्यों में जो समान रूप से पाए जाते हैं उसको क्या कहा, सामान्य गुण कहा। सामान्य
हाँ फिर ये गुण और द्रव्य में हमने तत्वार्थ सूत्र की माध्यम से हमने बहुत सारे सूत्र देखे थे, गुण पर्यायवत द्रव्यम, या फिर सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है, सत है, द्रव्य गुण और पर्याय वाला है। फिर उसमें हमने बहुत सारे ये भी देखे थे क्या, अपेक्षाएं भी देखी सारे बिल्कुल उदाहरणों से। हाँ तो या फिर तद भाव व्ययम नित्यम, जो गुण है उसका नाश कभी नहीं होता, वो हमेशा द्रव्य के साथ रहता ही है। फिर द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, माने जो क्या है, द्रव्य से आश्रय से क्या रहते हैं, गुण रहते हैं, इसलिए हमने अंशी और अंश कहा था, गुण को अंश कहा था, द्रव्य को अंशी कहा था। उसका माने जो होलसम है वो द्रव्य है, उसका एक पार्ट गुण है, तो उसका एक अंश हो गया, छोटा सा पार्ट हो गया। फिर वैसे ही हमने पर्यायों को कहा, क्या कहा था, जो सॉरी निर्गुणा गुणा का क्या देखा था, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, माने उसमें दो जो गुण है वो इंडिविजुअल है, वो एक दूसरे के सहारे से नहीं रखते हैं, नहीं रहते हैं। तो ये हमने निर्गुणा गुणा लिखा था। इसी का जो भाव हमने खोला है वो अगुरु लघुत्व में भी खोला है, उसमें उस द्रव्य में ऐसी शक्ति है जिसी के वजह से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। हाँ फिर हमने संबंध में एक अविनाभावी संबंध भी देखा था, जो ये बताता है कि अगर स्पर्श गुण मुझ में है तो रस गंध वर्ण ये सभी गुण उसमें होंगे ही होंगे, तो एक गुण को मुख्य करके बाकी के गुणों की सत्ता उसमें है, इसको कहते हैं अविनाभावी संबंध। एक है तो बाकी के उसके जो ग्रुप बंच ऑफ है वो आ ही जाएंगे उसमें, ये हमने अविनाभावी संबंध में देखा था। फिर हमने अनेकांतमयी जो अपना धर्म है उसके बारे में थोड़ा देखा था, कि अनेकांतमयी में अनंत गुण का समूह देखा था और परस्पर विरोधी धर्म को भी देखा था, दो अपेक्षा से अनेक का अर्थ लगाया था, कि अनंत गुण वाला द्रव्य है या जो जिसमें विरुद्ध धर्म विरुद्ध जो स्वभाव वाले गुण है या फिर धर्म है उसको भी देखा था, जैसे नित्य है तो अनित्य है, तो दोनों विवक्षाएं अलग अलग है, उसको देखने का नजरिया अलग है, लेकिन ये एक ही द्रव्य में उसी वर्तमान स्टेट में पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है अनित्य कहा तो फिर बाबा दूसरे समय में नित्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसी समय वो दोनों ही पाए जाएंगे। इसको हमने बहुत सारे उदाहरणों से देखा था। फिर हमने चतुष्टय की बात की थी, जो कि हमने अभी भी देखा था, अभी जो अगुरु लघुत्व में चतुष्टय था, तो हमने उसमें देश के इसमें देखा था कि हमारे भारत देश है तो वो पूरा उसका नाम स्वतंत्र रहता है, कोई रिपीट नहीं कर सकता भारत का। फिर उसकी एरिया जो होती है, क्षेत्र रहता है, जितना भूभाग वो व्यापता है वो उसका क्षेत्र हो गया, वैसे ही सेना उसकी जो सुरक्षित रखती है उसकी, वो काल हो गया, और फिर संविधान हमारा जो है वो उसका भाव हो गया। वैसे आत्मा में लगाएंगे तो मेरे असंख्य आत्मा माने उसका द्रव्य, माने द्रव्य आत्मा हो गया, फिर उसका असंख्यात प्रदेशी वो उसका क्षेत्र हो गया, फिर अनादि अनंत उसका काल हो गया, और मैं यह ज्ञानानंद स्वभावी वह क्या उसका भाव हो गया। फिर हमने आत्मा को 3D देखा था, उसमें क्या देखा था, 3D उसका वैभव कैसे देखा था, लंबाई उसका काल है, चौड़ाई उसका क्षेत्र है, मोटाई उसका भाव है, ऐसा करके हमने वो घन रूप आत्मा को देखा था। फिर हमने गुण को सहभावी और पर्याय को क्रमभावी ये देखा था। फिर गुण की डेफिनेशन, गुण की डेफिनेशन क्या है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों एवं संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, द्रव्य गुण कहलाता बहुत बढ़िया, जो द्रव्य के सभी है। संपूर्ण भागों अवस्थाओं में और सभी भागों में पाए जाते पर हैं। हाँ इसमें हमने फिर से चतुष्टय घटाया था, कि द्रव्य में माने सर्व अवस्थाओं में माने काल हो गया, सर्वथा रहेगा, भागों में माने क्षेत्र में आ गया, सर्वत्र आ गया, और
पाया जाता है माने उसका भाव हो गया, देने वाला जो है सर्वदा। ऐसे हमने गुण की डेफिनेशन में चतुष्टय लगाए थे। फिर हमने वो गुण बड़ा छोटा नहीं होता है, द्रव्य द्रव्य में सदा ही रहता है, वो थोड़ा सा देखा था कि वो कैसे पूरे द्रव्यों में होता है। जैसे ज्ञान गुण अगर आत्मा से छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो क्या हो गया, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा था, जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। तो ये क्या हो गए, उसके संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में पाए जाते ही ये हमने देखा था। फिर हमने स्वरूप अपेक्षा और एक चार्ट बनाया था, स्वरूप अपेक्षा भेद अभेद विवक्षा करके हमें जीव को देखना था। तो फिर उस हमने क्या किया था, संज्ञा द्रव्य गुण पर्याय देखा था। वहां पे द्रव्य गुण पर्याय में लक्षण क्या देखा था कि जो द्रव्य है वो गुणों और पर्याय वाला है, जो गुण है, जो गुण की डेफिनेशन है, जो सभी द्रव्यों के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में पाए जाते हैं। और पर्याय में क्या देखा था, गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं, पर्याय कहते हैं। ये हमने लक्षण देखा था, ये संख्या देखी थी। द्रव्य एक है तो गुण अनंत है और पर्याय अनंतानंत है, जो निरंतर बदलती रहती है। फिर इसका प्रयोजन क्या है, तो द्रव्य क्या बताता है, मैं अन्य द्रव्य से पृथक हूँ, मुझे सुखी होना है तो मुझे मेरे ही द्रव्य का, अखंड द्रव्य का आश्रय लेना है, यह द्रव्य बताता है, यह मेरा प्रयोजन है सुखी होने के लिए। गुण क्या बताते हैं, गुण द्रव्य का वैभव बताते हैं, मैं कितना वैभवशाली हूँ ये मेरे गुण बताते हैं। और पर्याय क्या बताती है, द्रव्य और गुण का परिचय पर्याय करती है। पर्याय बताती है, अरे इस गुण का ये परिणमन हो रहा है और ये इस द्रव्य का बिलोंग करता है, तो ये परिचायक है। पर्याय पर्याय एक समय की है, यह बताती है कि उसको पकड़ में नहीं रखना है, वो आश्रयभूत नहीं है, पर्याय की तरफ देखना नहीं है, द्रव्य की तरफ देखने से क्या हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। इसमें प्रदेश क्या आ गया, प्रदेश अभेद अपेक्षा से क्या है, असंख्यात प्रदेशी है और वो सदा द्रव्य के साथ रहता है, गुण के साथ रहता है और काल के साथ भी रहता है। माने द्रव्य गुण पर्याय के साथ अभेद अपेक्षा में प्रदेश आ जाता है, जो उसमें अभेद है, तो उसमें कोई भेद नहीं है, जैसे ये संख्या वाला प्रयोजन वाला, वैसा अभेद लक्षण प्रदेशों में है। फिर हमने मीठी शक्कर के उदाहरण से देखा था कि कैसे वो मिठास है, तो वो पूरे उसके क्या है, रसगुण पूरा द्रव्य में है। तो हमने फिर पुद्गल की तरफ मैंने ऐसे करके वो द्रव्य गुण पर्याय को देखा था। फिर नित्य तादात्म्य अनित्य तादात्म्य, जैसे मिठास है वो चीनी के साथ नित्य तादात्म्य है, कभी नहीं जाने वाली है, लेकिन उसकी पर्याय बदल सकती है, वो तो वो अनित्य तादात्म्य आ गई। फिर हमने थोड़ा सा पर्याय के बारे में देखा था, लेकिन वो अभी रिपीट करेंगे तब जब आ जाएगा। फिर हमने वो उत्पाद व्यय द्रव्य भी देखा था कि जो नवीन पर्याय का नहीं, ठीक है, हम वो तभी करेंगे, पर्याय के बारे में करेंगे। अभी हम क्या आ गए, सामान्य और विशेष गुण की तरफ आ गए। तो अभी सभी की डेफिनेशन एक बार हो जाएगी क्या, सामान्य गुण। दीदी हाँ बोलिए। वो जो उदाहरण है अपन वो ले सकते हैं सोने का हाँ इसमें कोई भी, तादात्म्य संबंध में। देखो बहुत सारे उदाहरण है, आप कैरी का ले सकते हो, सोने का उदाहरण ले सकते हो, शक्कर का ले सकते हो, या घड़े का ले सकते हो, कोई भी उदाहरण अभी आपको जहां पे लगता है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ये आप उदाहरण ले सकते हो। गुण में लगता है, पर्यायों में लगता है, कोई भी उदाहरण से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ हाँ, और वो एक अग्नि की उष्णता वो भी ले सकते ना। हाँ, मैं बोली ना, कोई भी, आप कितने भी उदाहरण इसमें ले सकते हो। जैसे मैंने अभी चीनी का लिया, वैसे आप नमक का ले सकते हो, उससे खारापन नहीं जा सकता,
सोने का ले सकते हो, पीलावन नहीं जा सकता, उसके माने पर्याय कुंडल अंगूठी आदि बदलती है, वैसे ले सकते हो। आत्मा में ले सकते हो, चेतना गुण ज्ञान दर्शन वाला मैं कभी नहीं जाता, पर्याय बदलती है, माने ऐसे जीव से भी लगा सकते हो। तो अभी हम अपने सामान्य गुणों की ये करते हैं। सामान्य गुण जो है, तो आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी, अस्तित्व गुण की डेफिनेशन क्या है? सब द्रव्यों में समान रूप रहते हैं, उसे सामान्य गुण कहते हैं। ओके, सही है। आगे जिस अस्तित्व गुण, गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का नाश नहीं होता, अस्तित्व गुण। बहुत बढ़िया। अभी अभी देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको मैं बताती हूँ। अस्तित्व गुण कैसे देखा है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। यही डेफिनेशन आपको बाहर करनी है। हाँ, अभी हो ही गई होगी मैक्सिमम सभी की। वस्तुत्व गुण, वस्तुत्व गुण किसे कहा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थक्रियाकारित्व होती है या अर्थक्रिया होती है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। जैसे घड़े की अर्थक्रिया जल धारण करना है। द्रव्यत्व गुण किसे कहा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता, जिसकी पर्याय हमेशा बदलती रहती है, निरंतर परिणमन होता है, उसे द्रव्यत्व गुण कहा। फिर प्रदेशत्व गुण किसे कहा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय होता है, उसे हमने क्या कहा? समय प्रमेयत्व गुण कहा। अगुरुत्व लघुत्व गुण किसे कहा? जिस शक्ति के द्रव्य में द्रव्यपना कायम द्रव्य रहता है और द्रव्य दूसरे में नहीं परिणमता, परिणमता रूप नहीं रहे परिणमता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, उस अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। अभी देखिए, अगुरु लघुत्व के बारे में कुछ मैं बताती हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कैसी मर्यादा अगुरु लघुत्व में है? देखो, अनंत गुणों का पिंड मुझ जीव द्रव्य का स्वद्रव्यपना स्थायी रहता है। वह किसी भी दूसरे अनंत जीव रूप, माने यहाँ पे जीव रूप, मैं जीव हूँ आप जीव हूँ, लेकिन मेरा आपसे कोई संबंध नहीं, यह बताते हैं। दूसरे अनंत जीव रूप नहीं होता, अनंत पुद्गल, अनंत अनंत पुद्गलमय नहीं होता, धर्म रूप नहीं होता, अधर्म रूप, आकाश काल रूप, तो अन्य किसी भी द्रव्य रूप नहीं होता। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया, जहां पे हमारा भ्रम रहता है, कि वो शरीर वाला नहीं होता, वाणी रूप नहीं होता, शब्द रूप नहीं होता, तो ऐसे कोई भी अन्य द्रव्य में जीव नहीं होता। ये पहला पॉइंट। दूसरा, ये हमने द्रव्य के परिपेक्ष में देखा। अभी जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेशी स्व क्षेत्र में द्रव्य कर्म क्षेत्र, माने उसका जो क्षेत्र है वो भी कायम है, वो दूसरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता। फिर हमने क्या देखा था? गुण की जो पर्याय होती है, जो जीव के जो अनंत गुण है उनकी जो पर्याय होती है, वो भी पर द्रव्य के परिपेक्ष में नहीं होती, वो अपने अपने गुण रूप ही परिणमन करता है। माने जैसे मेरे गुण का आपके गुण से नहीं होता है, और मेरे ज्ञान गुण का मेरे चारित्र गुण से नहीं होता है, ये दोनों चीजें यहाँ पे लगानी है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे गुण का ज्ञान गुण का आगे पीछे भी नहीं होता है। जैसे अभी पर्यायों का एक क्रम है ना, हम क्या कहते हैं, पर्याय क्रमभावी है, तो उसका एक डेफिनेट क्रम है, वो ऐसे कभी दूसरी हुई, फिर छोटी हुई, बड़ी हुई, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई भी जीव नहीं हो सकता है कि अभी उसका वृद्धापन आ गया और फिर थोड़े दिन के बाद फिर से बालक बन गया, फिर युवा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो उसका एक क्रम है डेफिनेट, उसी क्रम से पर्याय बदलती है। आम के बारे में भी वैसा ही लगाएंगे। जैसे आम अभी हरा है तो वो होते 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 पीला हो जाएगा, जब पीला हो जाएगा फिर उसके बाद में हरा नहीं होता है, वो क्रम, उसका सीक्वेंस डेफिनाइटली है। ये सब अगुरु लघु का काम है।
दीदी ये जो आपने पहले पॉइंट्स बोले हाँ थे ना, ये थोड़े से रिपीट कर दीजिए थोड़ा, या लिखवा दीजिए, ये जो अभी आपने बताया ना उसके पहले। यही है भाव, यही है अगुरु लघुत्व में जो 3 पॉइंट आए हैं, हाँ हाँ विवक्षा में थोड़ी सी और खोल रही हूँ। हाँ वो ही जैसे मैं पूछ रही थी कि आप क्या कर। देखो मैंने कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं जाता, परिणमता, ये हमने पहला पॉइंट देखा। उसमें हमने द्रव्य बना, स्वद्रव्य बना, मैंने उसी को क्या कहा कि मैं जो द्रव्य हूँ इसमें मैंने स्वचतुष्टय लिया, मेरा जो स्वद्रव्य है वो मैं दूसरे जीव रूप भी नहीं होता, उद्गल रूप भी नहीं होता, धर्म द्रव्य रूप नहीं होता, अधर्म द्रव्य, ऐसे मैं सभी द्रव्य अच्छा, में सभी कवियों के साथ लगाया। लगाया। फिर मैंने उद्गल में जो हमारे संबंध में नजदीक आता है, इसलिए मैंने कहा कि आंख नाक वाला शरीर रूप भी नहीं होता, या फिर मन वाणी वाला भी नहीं होता, जिसमें मेरी भ्रमित ये होती है उसको मैंने हाईलाइट किया, लेकिन ये बात पुद्गल में गर्भित हो जाती है अगर मैंने नहीं कहा तो भी। फिर मैंने क्या कहा, जीव के जो असंख्यात प्रदेश है, फिर मैंने क्षेत्र को लिया, जीव के असंख्यात प्रदेश ही जो है वो क्या है, वो दूसरे क्षेत्र में नहीं कन्वर्ट हो जाते, मेरी सत्ता मेरी कायम है प्रदेशों से भी, जो असंख्यात प्रदेश है उसमें भी घटबट नहीं होती है, वो कायम उसी में रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे प्रदेश चले गए और फिर वो गिरनार जी के क्षेत्र रूप हो गए, कन्वर्ट हो गए, या फिर शरीर में कन्वर्ट हो गए, नहीं, मेरे जो प्रदेश है वो मेरे ही प्रदेश रहेंगे। हाँ, फिर मैंने गुणों में लगाया, गुणों में क्या कहा कि मैं, मेरे जो गुण है वो क्या है, तो मेरे गुण आपके गुण से इंटरचेंज नहीं होते दो द्रव्यों में, फिर मेरे गुण मेरे ही दूसरे गुण से इंटरचेंज नहीं होते। दीदी मेरे प्रदेश का एक एग्जाम्पल दें तो, मतलब मेरा प्रदेश कौन सा? मैं असंख्यात प्रदेश, जैसे हाँ हमने ठीक, देखो ये हम सीधे लगा सकते हैं मैं और मेरा शरीर, तो जितने प्रदेशों में मैं हूँ उतने ही प्रदेशों में शरीर होने से भी वो प्रदेश अलग अलग है, वो कहीं पे मिले नहीं है, एक क्षेत्रावगाह संबंध यही बताता है कि वो उसी क्षेत्र पे है लेकिन इसकी और उसकी सत्ता अलग अलग है, वो मिले हुए नहीं है। जो मेरा प्रदेश है वो जीव का प्रदेश है, जो शरीर का प्रदेश है वो पुद्गल का प्रदेश है, एक ही क्षेत्र पे रहने पर दोनों इंटरचेंज नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें माने क्वालिटी ही अलग है, वो द्रव्य की क्वालिटी ही अलग है। जी समझ में आया? जी हाँ। फिर आया। हमने गुण में जो पता गुण में देखा वो पता चला कि एक मैं गुण और दूसरे गुण का, माने दो द्रव्यों में भी लगाओगे तो गुण इंटरचेंज नहीं होते, एक द्रव्य के दो एक गुण द्रव्य के भी भी दो गुण इंटरचेंज है। इंटरचेंज नहीं होते। फिर हमने ये भी कहा कि उसकी जो गुण की पर्याय है वो भी आगे पीछे नहीं होती है, वो भी क्रमिक है, क्योंकि हमने क्या कहा था, क्रम भावी पर्याय है, पर्याय माने, और गुण है सहभावी है, वो रहते रहते हैं, पर्यायों में चेंज होता है लोग, लेकिन वो भी क्रमिक होता है, ऐसे ड्रास्टिकली ऊपर नीचे कहीं पे भी हुआ ऐसा नहीं होता है। तो पर्याय है वह क्रमभावी है और कौन गुण है वो सहभावी है। जो जीव द्रव्य में गुण है वो सदा ही क्या रहते हैं, मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ, आप जब बोलोगे तो अनम्यूट कर देना। हाँ, तो जो अनंत गुण मुझ में है वो मेरी सत्ता कायम रहने वाले है, कोई बिखर के कहीं नहीं जाने वाला है, कोई नया नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज मुझ में नहीं होने वाला है, ये कौन बताता है, अगुरु लघुत्व। तो उससे हमें क्या पता चल जाता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय से कायम रहता है, उसमें हम पृथकता लाते हैं, माने मेरा स्वचतुष्टय और आपका, पानी का स्वचतुष्टय और कांच का स्वचतुष्टय अलग अलग है, एक द्रव्य के अनंत गुण है
और वो अनंत गुण आपस में उनका कोई संबंध किस अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि वो पृथक पृथक है, उसका कार्य का अलग अलग करते हैं, इसीलिए तो उनके अलग अलग नाम बताए हैं। सभी गुण समान कार्य करते तो क्या डिफरेंशिएट होता, अनंत गिनने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ज्ञान गुण का कार्य ज्ञान गुण करता है, श्रद्धा गुण का कार्य श्रद्धा गुण करता है। फिर हमने देखा था एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है, वो बिखर कर अलग नहीं होते हैं, गुण का क्षेत्र कायम है, संख्या कायम है। और एक गुण की पर्याय है, वो जो है उसी गुण की भूत भविष्य पर्याय के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता है। तो अगुरु लवत्व हमें बेसिकली स्वतंत्रता पे ज्यादा फोकस करता है कि मैं कितना स्वतंत्र हूँ, कोई किसी का कभी भी संबंध नहीं होता है, मेरा दूसरे से नहीं होता है, मेरे ही द्रव्य में मेरे गुण पर्याय का भी कोई संबंध नहीं होता है। किस अपेक्षा से? डिपेंडेंसी की अपेक्षा से। ये लगाना हाँ, हमने अविनाभावी संबंध तो कहा था, अरे कहा था, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी, कोई पे किसी का क्या है, मैं आधारित हूँ, ज्ञान गुण पलटेगा तब मेरा काम चालू होगा, तब तक मैं आराम करती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पे उसका कार्य चल रहा है, वहां पे उसका कार्य चल रहा है, साइमल्टेनियसली कार्य होता है, उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, इसीलिए अगुरु लघुत्व बहुत स्वतंत्रता झलकाता है। अभी हमने जो देखा था उसमें अभी तो आपको सबका क्षेत्र संख्या अपेक्षा ये आता है। एक प्रश्न पूछती हूँ सिर्फ कि किस द्रव्यों में, अभी मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहूँ कि किन द्रव्यों में अगुरु लघुत्व गति करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कौन कौन से द्रव्य है जिसमें अगुरु लघुत्व गति करता है? धर्म द्रव्य ओके, और किसी की कोई दूसरी अपेक्षा है? कोई भी द्रव्य में गति नहीं करता, क्योंकि वो उसका परिणमन अपन को स्वतंत्रता सिखा रहा है ना। हाँ ओके, और किसी का कुछ है, माने दूसरा आंसर है? ठीक है, गति से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब गति करना एक अपेक्षा से कहा है कि उसका परिणमन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी द्रव्यों का परिणमन होता है, तो हाँ ऐसा अपेक्षा से नहीं कहा है। यहाँ पे गति करना माने क्रियावती शक्ति लेना, तो गति करना माने क्या है, कौन से द्रव्यों में क्रियावती शक्ति है, कौन से द्रव्य गतिशील हिलते हैं, यहाँ वहां स्थलांतरित होते हैं। तो हमने क्या कहा था, जीव और पुद्गल द्रव्य के अगुरु लघुत्व में गति करता है। ये अगुरु लघुत्व ही नहीं लगाना हाँ, इसमें यह भी कह सकती हो कौन से द्रव्य का अस्तित्व गुण गति करता है। समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा आपका मैंने क्या कहा, मैं ऐसे कौन से भी गुण से पूछ सकती हूँ कि मुझे। इस द्रव्य का ये गुण है, या फिर कौन सा द्रव्य गति करता है, कौन सा द्रव्य गति करता है, यहाँ पे गति की अपेक्षा परिणमन नहीं लेना है, यहाँ पे गति की अपेक्षा जो क्रियावती शक्ति है वो पूछ रही हूँ। तो हाँ वही, हाँ वो जीव और पुद्गल में दिखती है। हाँ आपने आपने बोला अगुरु लघुत्व किस द्रव्य में गति करता है? नहीं, किन द्रव्यों का अगुरु लघुत्व गुण गति करता है? तो हाँ क्रियावती शक्ति के अनुसार अगर आप पूछती हैं, तो जीव और हाँ पुद्गल में क्रियावती शक्ति होती है, तो फिर हाँ इनका ही होगा। तो यही आंसर है कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का अगुरु लघुत्व गति करता है, क्योंकि अच्छा वो पहले, देखो मैं जितने भी बीच में सवाल कर चुकी हूँ ना, ये सभी द्रव्यों में लगते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी ये भी कह सकती हो, अनंत प्रदेशी अगुरु लघुत्व कितने हैं? तो पुद्गल के अनंत प्रदेशी अगुरु लघुत्व गुण कितने हैं? अनंत ये पुद्गल प्रदेशी देख लेंगे, आप बैक ट्रैक करते जाना, बैक ट्रैक। अनंत प्रदेशी कौन सा द्रव्य है? हाँ काल द्रव पुद्गल अनंत प्रदेशी तो अनंत जी है, अगर आप ऐसे बोल, प्रदेश प्रदेश की अपना आकाश संख्या नहीं,
संख्या अच्छा नहीं अनंत है, प्रदेशी आकाश है, प्रदेशी आकाश का ग्रह, आकाश आकाश ग्रह। आकाश। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस, मैंने थोड़े क्वेश्चंस क्या किए थे, बहुत अस्तित्व गुण कंफ्यूजन में होता है पूछे थे। ऐसे। हाँ, मैंने थोड़े क्वेश्चन अस्तित्व गुण में पूछे, फिर थोड़ा रिवीजन होने के बाद कुछ कुछ नवे नई कंसेप्ट लेके वस्तुत्व गुण में पूछे थे, फिर मैंने कुछ द्रव्यत्व गुण में पूछे। तो ये सभी गुणों में लाए, क्योंकि ये सामान्य गुण है, जहां पे अस्तित्व गुण है वहां पे द्रव्यत्व गुण है, वहां पे और गुरु लघुत्व में है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ वो गुणों के हिसाब से नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय का जो पूरा जो अपना कंसेप्ट है, और सामान्य गुण के हिसाब से ये गुण तो सभी में पाए जाने वाले हैं। जहां पे मैं अगुरु लघु की अपेक्षा कहूंगी, वहां पे अस्तित्व गुण उसके साथ में खड़ा ही है ना, तो वो उसको भी क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। यहाँ पे जब मैंने अनंत प्रदेशी कहा, तो आपको द्रव्यों में प्रदेश लेके अनंत प्रदेशी ढूंढना था, तो कौन सा आ जाएगा, आकाश प्रदेश आ जाएगा, आकाश आकाश द्रव्य। द्रव्य आ जाएगा। तो आकाश द्रव्य जो है वो कितने हैं, तो एक है, तो अनंत हाँ, प्रदेश और गुरु लघुत्व एक है, और जो कि आकाश द्रव्य का है, यही उसका आंसर है। ये बहुत हाँ, कंफ्यूजन आप संख्या में होता लगा दो, हर बार क्या हो जाता है, प्रदेश सुना कुछ भी लगा तो अरे कितने हैं, अनंत पुद्गल द्रव्य है, जीव अनंत है, तो हम क्या करते हैं, संख्या अपेक्षा हर बार लगाते हैं। तो प्रश्न एक पूछने अपना के बाद, क्वेश्चन रिपीट करिए। अनंत प्रदेशी, क्या वो पूछा क्वेश्चन? अनंत प्रदेशी, अनंत प्रदेशी और गुरु लघुत्व कितने हैं, तो अनंत प्रदेशी और गुरु लघुत्व अगर ढूंढना है, तो अगुरु लघुत्व तो सभी द्रव्यों में पाया जाएगा, तो मुझे चेक हाँ ठीक करना था कौन सा द्रव्य अनंत प्रदेशी है। तो है, तो प्रदेश आकाश के चार्ट द्रव्य। में हम देख, हाँ प्रदेश के चार्ट में देखेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, आकाश प्रदेश आ जाएगा। तो आकाश जब एक है, तो अगर लगो तो कितने, मतलब एक आंसर हुआ ही आ ऐसे। जाएगा, आंसर एक ही है। तो यहाँ पे जब ऐसा पूछा जाएगा, किसी भी गुण का ले लो, द्रव्य, किन द्रव्यों का कौन सा भी गुण ले लो, सामान्य से छह ही गुण ले लिए तो भी जाएगा। गति करता है, गति करता है माने क्या है, यहाँ पे क्रियावती शक्ति की अपेक्षा बोलना है कि कौन किन से सब्जियों द्रव्य है। का हाँ, तो क्वेश्चन एक बार जी रिपीट करिए। किन द्रव्यों का गुण? किन द्रव्यों का अस्तित्व गुण ले लो, अगुरु लघुत्व ले लो, कोई भी गुण ले लो, गति करता है। तो ये जो गति करता है, यहाँ पे अपेक्षा है कि जीव और पुद्गल द्रव्य का अगुरु लघुत्व गुण गति करता है, क्योंकि करता इनमें है। क्रियावती शक्ति है, ये उसका आंसर है। उल्टा कहेंगे तो धर्म अधर्म आकाश और काल, ये नहीं सर, चारों द्रव्यों में कोई भी क्या हो जाती है, क्रियावती शक्ति न होने के नहीं कारण ये गति नहीं करते हैं। समझ में आया? अभी हम ना, अभी आपको रिवाइज हो गया क्या, और ये अगुरु लघुत्व तक कोई ये है डाउट है? कोई डाउट नहीं दीदी, पर ऐसे क्वेश्चंस आते तो वो बिल्कुल मैंने इसीलिए पहला जो टेबल बनाया था ना द्रव्य का, उसमें सभी है, उसमें सभी है, ये क्वेश्चन घुमा नहीं फिर है, आए तब ही पर वो एकदम नहीं। से उसको क्लिक करना पूरी टेबल को बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, किसका प्रदेश और किसका वो, बहुत ज्यादा। मैं तो नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे एक बार से नहीं होगा, ये सिर्फ लगाना कि मैं कोई भी गुण का पूछूंगी लेकिन सभी गुण वहां पे उपस्थित है, तो अगुरु लोग में लगाओ या कोई अन्य द्रव्य में लगा, गुण में हाँ लगाओ, तो सभी वहां में पे वो ठीक रहने है। वाला है, तो वो मुझे क्या करना है, द्रव्य की अपेक्षा से मुझे वो लगाना है। ये हाँ, लैंग्वेज हार्ड लगती है दीदी, क्या हार्ड लगती लैंग्वेज जो सिद्धांत है समझ में हमने नहीं आता। वो ये सच में इसका आंसर नहीं नहीं, बनता बाद में। ये सिद्धांत है ना, नहीं, सिद्धांत थोड़ा टाइम मैं समझने में। इसीलिए आपको, देखो मैंने कितने सारे आपको पूछे थे पता है क्या, अस्तित्व गुण से मैं बताती हूँ, तो मैंने आपको धीरे 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 करके यही बताया था, पहले कोई बड़ा है क्या छोटा है क्या ये बताया था, फिर हाँ, अनादि अनंतपना मखाना बता था, किसमें है मखाना किसमें मिलते नहीं है। गोल वाले, हाँ, मिलते तीखा लगते, इसलिए फिर जाति अपेक्षा पूछा था, फिर संख्या अपेक्षा मखाना पूछा था,
चिरमुरे सारखं असते, आकार। चिरमुरे सारखं गोल असते असं कमळाचं बी. एक मिनिट हाँ, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। हाँ मग तेच तुम्हाला कळणार का. हाँ तो हमने क्या देखा था, ये आपको ख्याल में आया क्या? मैं डेली डेली आपको जो दो तीन क्वेश्चन पूछती थी, विश्व में जाति अपेक्षा से वस्तुत्व गुण कितने हैं, तो जितने द्रव्य है उतने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? 6 आ जाएंगे। फिर हमने संख्या अपेक्षा देखा था, बस विश्व में संख्या अपेक्षा अस्तित्व गुण वस्तुत्व कोई भी लगाओ गुण कितने हैं, तो जीव के वस्तुत्व गुण अनंत है, पुद्गल के वस्तुत्व गुण अनंत अनंत है, धर्म अधर्म आकाश का एक 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 है, और काल द्रव्य के लोक प्रमाण असंख्यात है। ये मैं हर एक इसमें थोड़ा थोड़ा लेके फिर आपको बताती थी। फिर अनंत प्रदेशी वस्तुत्व गुण कितने हैं, तो एक ही है क्योंकि कौन सा है, आकाश द्रव्य का है। फिर हमने क्या देखा था, गति करता है आज देखा था। फिर मैंने एक बार पूछा था कि शब्द में वस्तुत्व गुण कितने हैं, तो शब्द में माने क्या है, शब्द पुद्गल है, पुद्गल का स्कंद है, तो क्या कहा था, जितने परमाणु उसमें है उतने वस्तुत्व गुण है। याद है क्या आपको? ये क्वेश्चन तो याद, याद है, हाँ ये तो याद हाँ है, ऐसा ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये मतलब कंसेप्ट ऐसा क्लियरेंस में लगता ही ही नहीं ज्यादा। लगता है जब आप पूछते हो जब। हाँ नहीं ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियरेंस में मदद करता है बस। हमने ये अगुरु लघुत्व का देखा था, अभी हम नया जो है वो देखेंगे, प्रदेशत्व गुण। हमने कल उसकी डेफिनेशन देखी थी, क्या कहा था, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, उस शक्ति को प्रदेशत्व गुण कहते हैं। यहाँ पे ना दो चीजें अलग अलग है, जैसे हमने मूर्तिक देखा था, मूर्तिक कौन सा द्रव्य है, उसको रूपी कहते हैं, तो वो पुद्गल द्रव्य है सिर्फ, पर मूर्ति माने क्या, आकार रहना, सिर्फ आकार की बात है, तो वो 6 द्रव्यों में क्या है, मूर्तपना है, आकार है उसका, कोई डेफिनेटली ये है उसका, माने क्या मानते हैं, डायमेंड, डायमेंशन नहीं बोल सकते हो, लेकिन एक लंबाई चौड़ाई, यहाँ डायमेंशन बोल सकते हो, विस्तार बोलते हैं, द्रव्य का कुछ तो एक विस्तार है, उसका लंबाई चौड़ाई मोटाई ऐसा कुछ तो है उसमें, तो वो क्या हो गया, वो 6 द्रव्यों में है। रूपी बना किसको कहते हैं, मूर्तिक को कहते हैं, जो दिखता है, लेकिन अमूर्तिक चीजों का भी आकार हो सकता है ना, डायमेंशन हो सकता है ना, जैसे हम इनविजिबल चीजें देखते हैं कभी कभी, कोई कोई मूवी में ऐसे दिखाते हैं कि आदमी है और इनविजिबल हो गया, तो वो आदमी क्या फैल जाता है क्या, इनविजिबल हो गया तो कुछ भी नहीं रहता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, उसका आकार उसी माने होता है, दिखता नहीं है, ये दोनों चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ, भगवान मैंने, का कहते हैं हाँ मैंने अगर एग्जाम्पल देती हूँ, देखो मैंने अगर क्या लिया, मैंने दूध लिया, उसको मैंने एक ग्लास में डाला, फिर मैंने उसको कप में डाला, तो क्या है, हमने क्या कहा, वो उपचार से वो उस आकार में हो जाता है जिस आकार में डालती हूँ मैं, लेकिन परमार्थ से अगर मैं उसका आकार देखूंगी, तो क्या है, मैंने 1 लीटर दूध लिया था, वो मैं कप में डालूंगी या फिर मैं बड़े बर्तन में डालूंगी या कोई तो कढ़ाई में डालूंगी, वो मैं परमार्थ से उसका क्या कहूंगी, वो 1 लीटर है, तो ये क्या हो गया, 1 लीटर उसका जो है ना, वो माप जो है वो कायम रहा ना, किसी भी बर्तन का आकार वो ले, लेकिन वो जो 1 लीटर क्वांटिटी वाला वो है ना, वो उसके साथ है ना, वैसे ही यहाँ पे आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल सिद्ध का क्या है, सिद्ध जो रहते हैं वो, उनका शरीर है क्या, नहीं है, पर उनका आकार है ना, है, तो हमने क्या कहा था, सिद्ध का आकार क्या है, अंतिम शरीर से कुछ न्यून, अच्छा. हाँ वो पोकर जो भाव, हॉलो जो पार्ट रहता है हमारे इसमें, वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, उतनी कम वो एरिया घेरता है, और वो घन रूप, वो सिद्धों का आकार होता है।
तो कोई ना कोई एक विस्तार है उस द्रव्य का। हाँ, वो ऐसे फैल नहीं जाता है कहीं पे भी, माने द्रव्य है तो वो हो गया कहीं पे भी हो गया, ऐसा नहीं है। उसका कुछ तो कुछ विस्तार है, उसका क्षेत्र है, उसीलिए उस अपेक्षा से हमने क्या कहा, उसको आकार है। यहाँ पे देखती है, देखो विश्व में 6 द्रव्य है, उनमें केवल पुद्गल द्रव्य ही रूपी है अर्थात मूर्तिक है, अन्य 5 द्रव्य अरूपी है। मूर्त द्रव्य का आकार तो हमें दिखाई देता है, परंतु अरूपी द्रव्य के आकार में बारे में हमें संदेह होता है। द्रव्य का आकार यानी उस द्रव्य का विस्तार माने क्षेत्र अर्थात लंबाई चौड़ाई मोटाई आदि है। रूपी द्रव्य का आकार रूपी होता है, अरूपी द्रव्य का आकार अरूपी होता है। प्रत्येक द्रव्य का आकार अपने अपने प्रदेशत्व गुण के कारण होता है, अन्य द्रव्य के कारण नहीं होता है। कोई भी द्रव्य या कोई भी जीव पर द्रव्य के आकार का कर्ता हो नहीं सकता। देखिए, असंख्य प्रकार के पेड़ पौधे, विविध आकार के फूल पत्ते, विविध आकार के पशु पक्षी हम देखते हैं, तो जो आकार है उसका वो किसकी पर्याय है, प्रदेश गुण प्रदेश की पर्याय है। हाँ, तो इतने सारे जो आकार रूप है वो क्या है, प्रदेशत्व गुण के कारण है। सुंदर हमारा अक्षर कैसा है, मैं जो जब राइटिंग करती हूँ तो मेरा हैंड राइटिंग कैसा है, तो बहुत एकदम सुंदर है, बहुत अच्छे से मैं क्या करती हूँ कि अक्षर बनाती हूँ। वैसे ही मैंने रंगोली निकाली तो क्या किया, मैंने एक बहुत सुंदर फूल का चित्र बनाया, मैंने रंगोली बनाई, तो वो आकार किसने बनाया, मैंने बनाया। बिल्कुल अभी ये पढ़ते हैं, अक्षर का सुंदर या टेढ़ा मेढ़ा होना स्याही के प्रदेशत्व गुण से होता है। हम मानते हैं कि मैंने सुंदर अक्षर लिखा है, रंगोली से सुंदर फूल बनाया मेरा कौशल्य है, मैं मानती हूं ऐसा, पर रंगोली के प्रत्येक परमाणु के प्रदेशत्व के गुण के कारण यह कार्य हुआ। कितना डीपली इसका मीनिंग है पता चला, कहाँ कहाँ हम मानते हैं कि मैंने बनाया, मैंने कितने अच्छी तरह से सजाया है, उसके उसके प्रदेशत्व गुण के कारण उसका आकार बना हुआ है। पुद्गल में तो हम लेकिन देखते हैं उसका। एक चीज पूछनी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिल्कुल छोटा बच्चा जो लिखना अभी अभी सीख रहा है या रंगोली बनाना जो नहीं जानता है ना, वो कलर्स अगर डालेगा तो उन कलर्स के प्रदेशत्व गुण के कारण आप बोल रहे हैं ना रंगोली के, तो वो हाँ, तो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा उसका कोई डिजाइन नहीं आ पाएगा, और जो ठीक है। एक्सपर्ट है उसने भी सेम वही कलर्स को डाला तो उसका अच्छा डिजाइन आया है, तो फिर ये दोनों में क्या चेंजेस क्यों हो गए? अगर ये रंगोली देखिए, के प्रदेशत्व गुण थे तो वो दोनों जगह अच्छे आने चाहिए। हमने जब भेद ज्ञान की प्रैक्टिस करने के लिए जो एक स्वाध्याय लिया था ना होमवर्क, उसमें आप घटाइए। अभी देखिए ये क्या है, पेन स्याही ये जो भी है, या फिर आप पेंट ब्रश लीजिए, ब्रश का परिणाम अलग हो रहा है, वो कलर का परिणाम अलग हो रहा है, उसका उसका एक आकार बन रहा है। मेरा दाग भी अगर लग गया मेरे कपड़े पे, तो उसका जो दाग का है उतने परमाणु क्या हो गए, उनका आकार प्रदेशत्व गुण बदल गया, रंग बदल गया, वर्ण गुण बदल गया, है ना, पता चला क्या। हाँ, ये ना सिर्फ निमित्त निमित्त घना है इसीलिए हमें लगता है। आप सोचो ना, अगर मेरा अक्षर सुंदर रहता है तो जो भी अभी आप एक्सपीरियंस कर लो, मेरा अक्षर सुंदर है, हर बार वैसा ही सुंदर रहता है क्या? अपना परीक्षा नहीं। पर कोई भी याद करो, पहला जो राइटिंग करते एकदम स्वच्छ में रहता है पहला पेज, उसके बाद में हमें सिर्फ घड़ी दिखाई देती है, हम भागते 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 कैसा अक्षर आ जाता है।
हाँ वो हम मानते हैं कि हमें अक्षर आ गया, वो उसकी योग्यता से उसका परिणमन हो रहा है। दो द्रव्यों में हमने इतना घटित किया अभी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है, एक चतुष्टय अलग है, उसका अलग चतुष्टय है, तो ये कहाँ पे लगा सब? ये निमित्त नैमित्तिक इतना घना है, इसका इतना घना है कि हमें ये ख्याल ही नहीं आता कि अरे ये दो द्रव्य है और उसका परिणमन अलग होता है। बहुत ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में गले से उतरने के लिए डिफिकल्ट एक्चुअली है। उसी में रचे पचे हैं ना, तो भी हाँ, बहुत थोड़ा हम वक्त है। भी वैसा ही है, हम ऐसे इस एंगल से अभी शुरुआत तो की है, तो अब उस एंगल से देखेंगे और ज्यादा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ख्याल में आ जाएगा। अभी नहीं ख्याल में आएगा, लेकिन हम अभी शुरुआत कर ही चुके हैं तो देखना शुरुआत करेंगे। इसीलिए वो एक्सरसाइज ऐसा नहीं है आज के लिए खत्म हो जाएगा, वो लॉन्ग लास्टर है, जब तक सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद आपको भेद विज्ञान हो जाता है स्व और पर का, फिर तब पता ही चल जाता है। फिर हम इसीलिए घटित कर पाते हैं कि वो राम जो थे वो सीता को लेने के लिए क्यों गए, उनको तो पता था कि हर हाँ, द्रव्य का परिणमन अलग अलग हो रहा है, तो भी गए। तो भी गए, तो वो चारित्र गुण का था, हाँ, चारित्र चारित्र। माना संसारी थे, अभी उतना राग शेष था, कर्तव्य था अपने प्रति, प्रजा के प्रति या फिर अपने वाइफ के प्रति, तो उसको बताने के लिए जाएंगे, उतना राग शेष है ना, लेकिन जानते तो थे, उसमें उनका बंध नहीं था, वो जानते थे यह सब क्या हो रहा है, अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है, उनमें डाउट नहीं था उनको कि मैंने सीता को बताया बचाया, ऐसा वो मुंह से कहेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, सीता को बचाने में मेरा कोई हाथ नहीं था, यही उनकी श्रद्धा में रहेगा। तो ये जो बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल है पुद्गल में, तो हमें पता चल जाता है, यहाँ पे देखिए, घड़े का आकार तो मिट्टी के प्रतिशत्व के गुण के कारण हुआ, सुनार कहता है कि मैंने सोने का हार बनाया, परंतु हार का जो डिजाइन है, आकार है, वो हर एक सोने के जितने सारे परमाणु उसमें है उसके प्रतिशत्व गुण के वजह से हुए है। मेरा सुंदर शरीर है, मैं कितनी सुंदर क्या हूं, तैयार हुई हूं आज, तो ये सब क्या है, पुद्गल की रचना हुई है। वास्तव में शरीर के आकार में भी पुद्गल के प्रदेशत्व गुण का ही कार्य होता है। हाँ, एक थोड़ा सा लेते हैं फिर हम ये कर देते हैं, देखिए ये पढ़ते हैं सिर्फ। हाथी यह जीव है, उसके शरीर का आकार पुद्गल के प्रदेशत्व गुण से होता है, उससे जो जीव है उसका वैसे आकार जीव के प्रदेशत्व गुण से होता है, माने मेरे शरीर का आकार, मैंने कहा क्या कहा, मेरे शरीर का आकार है, लेकिन जीव का आकार अभी क्या है, शरीर प्रमाण है, तो मुझ में जो संके संकोच और विस्तार की शक्ति है, तो ऐसे पुद्गल का परिणमन हुआ, वैसे ही तभी उस समय निमित्त नैमित्तिक घना होने से जीव के परिणमन प्रदेशत्व गुण का भी आकार वैसे हुआ, वहां उस शरीर का जो जीव के उस आकार में निमित्त कहा जाता है, सिद्ध भगवंतों के शरीर नहीं है, इसीलिए शरीर के निमित्त से होने वाला आकार उन्हें नहीं है, इसलिए सिद्धों को निराकार कहते हैं, सिद्धों को आकार नहीं है, ऐसा किस अपेक्षा से कहते हैं, शरीर न होने से वह निराकार कहते हैं, लेकिन प्रदेशत्व गुण से क्या कहते हैं, फिर भी सिद्धों का आकार अवश्य है, क्योंकि वो जीव द्रव्य है और उनमें प्रदेशत्व गुण होता है। तो हमने क्या कहा, फिर दोनों अनेकांतमयी धर्म है, किसी अपेक्षा से सिद्धों को निराकार कहा, प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से उनको साकार कहा। निराकार क्यों कहा, उनको शरीर नहीं है, इस अपेक्षा से निराकार कहा। समझ में आया? अभी जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो थोड़ा ही है तो वो कंप्लीट करके उसके लाभ देखेंगे।
अभी इसके बारे में कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है? हमने आज बहुत सारा रिवीजन भी किया, जो हमने देखा था उसमें कुछ डाउट है, कुछ चीजें नहीं पता चली हो? एक चीज रिपीट कर दीजिए बस। ये सिद्ध प्रदेशत गुण के कारण साकार कहलाए, है ना, क्योंकि हर जीव में अपना प्रदेशत गुण होता है, तो वो सर। और वैसे निराकार होने किस अपेक्षा से कहेंगे? शरीर नहीं है, शरीर नहीं थे। नहीं है इस अपेक्षा से निराकार कहेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताऊं, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ हो वंदना शत बार है, वंदना शत बार। काल सर्ग करेंगे।